नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको जो था प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, ये बहुत ही अच्छा एक छोटी सिंपलेस्ट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, जैसे मैगलेट ट्रेन टाइप का, और ये बहुत ही बनाने में बहुत मज़ा आया हमको। आप इसे एंजॉय करेंगे अगर आप बनाएंगे तो। इसमें जो कुछ चीज़ें हमने बनी वो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। इसके अंदर मैंने मार्केट से 50 रुपीज़ के जो एक छोटे वाले मैगनेट होते हैं जो बाई किए थे, ये वाले देखिए, और ये बटन टाइप के हैं। ये सेल के डायमीटर से थोड़े से बड़े हैं, और मैंने ये 5 इधर लगाए हैं, 5 इधर हैं, और थोड़ी मैग्नेट पावर बढ़ाने के लिए मैं छोटे मैग्नेट थे वो भी मैंने इन पे लगा दिए, जिससे इसकी मैग्नेटिक पावर और बढ़ जाए। बिकॉज ये इसके अंदर थोड़ा फ्रिक्शन करता है, तो आप कोशिश करिएगा कि 7 दोनों साइड में लगा लीजिएगा, तो आपका दोनों काम आराम से हो जाएंगे। तो आपके ये 15 रुपीज़ के मैग्नेट है, और आपका ये ड्यूरासेल है, पावरफुल सेल ले लीजिएगा। तो सेल इसको जो एनर्जी देता है, और ये जो मैग्नेटिक होल्स बनते हैं इसमें, इसे कैसे लगाना है, अगर ये नॉर्थ है साउथ है तो यहाँ पर भी नॉर्थ साउथ ऐसे ही आपको लगाना है, यानी ये अपोजिट पोल होते हैं इसके, और बाकी तो मैग्नेट आप उसी हिसाब से जोड़ लेंगे जहाँ वो अट्रैक्ट होंगे। तो इसके लिए और दूसरा पार्ट है, यहाँ पर वैसे एक इलेक्ट्रिकल पाइप होगा, तो काफ़ी हद तक उसका जो डायमीटर होता है वो इस सेल के हिसाब से और मैग्नेट के हिसाब से सही आता है। और ये कॉपर वायर है 1 mm 1.2 mm के आसपास, तो बाजार से आप किसी जो इलेक्ट्रिकल शॉप होती है उससे आप बाई करिए, और उसके बाद इसको गैस पर रखकर जला लीजिएगा। इसका सारा जो इनेबल है वो जल जाएगा, उसके बाद आप इसे एमरी पेपर से क्लीन करिएगा। ये थोड़े दिन पहले किया था, तो आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा इसकी कंडक्टिविटी कम हो गई है, इसमें कुछ जंग सा आ गया। तो आप इसे ऐसे रखेंगे, और इसकी डायरेक्शन के हिसाब से जैसे इसके लूप्स बने हुए हैं, आप इसको डालेंगे तो ये ट्रेन की तरह इधर से उधर मूव करेगा। इसमें आप देखेंगे थोड़ा यहाँ पर कॉयल बनाने में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें डेंट्स होते हैं या गैप्स होते हैं तो उस समय ये उसमें फंस जाता है। तो जितना अच्छा हो सके आप उस इस कॉइल को आप डेवलप करें, तो आपको उसका इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बनाने के लिए, स्कूल में दिखाने के लिए या साइंस फेयर में दिखाने के लिए बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया प्रोजेक्ट है, फैसिलिटिंग है, स्टूडेंट्स बहुत लाइक करते हैं। आप भी इसको अगर बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देखेंगे इसमें कुछ बनाते वक्त आप इसमें इस तरह के पाइप की हेल्प लेकर आप इसमें इसके ऊपर वाइंड अप कर सकते हैं। अगर पाइप अगर आप निकालते हैं और ये आप बिल्कुल सेंट्रलाइज कर लेते हैं सारे मैग्नेट और इसको, तो आप देखेंगे कि अगर आप इसको डायरेक्शन सही डालते हैं तो ये अपने आप मूव करता चला जाता है और इधर बाहर वापस आ जाता है। और इसका ये सेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये कहीं पर इन गैप्स में यहाँ ना फंसे। अगर आपको दूसरी साइड से डालना है तो आप इसके डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, तभी ये ऑपरेट करेगा। देखिए काफ़ी तेज़ी से जा रहा है, तो डिपेंड करता है कि ये आपकी कॉइल की पोजिशन क्या है, उसकी कंडीशन कैसी है, और ये बहुत ही बढ़िया ट्रेन की तरह काम कर रहा है। आपको जब दूसरी साइड से डालना आप इसे रिवर्स कर दीजिएगा, आप देखिए ये इधर से इधर चला जाएगा, इधर से बाहर आ जाएगा। इसमें आपका ये सेल कंज्यूम होता है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप पावरफुल सेल यूज़ करें, जैसे ड्यूरासेल या कोई ऐसा ही पावरफुल सेल जो कैमरेज में यूज होता है, या और ये जो आपके मैग्नेट्स हैं वो काउंटिंग में आप 7 या 8 ले लीजिएगा एक साइड में। मेरे पास 5 है, तो यहाँ थोड़ा डेंट्स, ये इसके बीच में से जगह मिल रही है रुकने की, और ये बहुत ही फैसिलिटी का आपका प्रोजेक्ट बनेगा। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो लाइक करते हैं इसे शेयर कर लें, क्योंकि आपके शेयर करने और कमेंट करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और भी हमारे आप चैनल अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोज़ हमने साइंस के, इलेक्ट्रॉनिक्स के डाल रखे हैं, जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ITI जो वगैरह में काम आते रहते हैं। इसमें आप अपने हॉबी एज ए हॉबी भी बना सकते हैं, आप टीचिंग के पर्पज़ से भी देख सकते हैं, अपने बच्चों को भी शो कर सकते हैं कि ये किस किस तरह से प्रिंसिपल से ये काम करते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आपका दिन आपके लिए शुभ रहेगा।